गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट न्यू टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू जर्मिनेट आर अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ अ वाटर, एयर एंड अ वार्मथ। मतलब अब आपके सीड को जर्मिनेट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसे वाटर प्रॉपर मिले, एयर मिले और हीट मिले। वार्मथ मतलब हीट मिलना। द चेंज ऑफ अ सीड, यानी जब वो सीड चेंज होता है इनटू अ सीडलिंग, किसमें? सीडलिंग में अंकुरित होता है जब वो, उस प्रक्रिया को इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन। यानी उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। यानी वो प्रोसेस जो चल रहा है, यानी जब आपका सीड चेंज हो रहा है सीडलिंग के अंदर, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट इंक्रीज इन अ साइज। जब बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड का बताया था, उसके अंदर आपको बीज दिखाया था, जब आप उसे पानी के अंदर डालते हो तो क्या होगा? उसमें से अंकुर फूटेगा और क्या होगा उसका जो साइज़ है। पहले आपने देखा होगा वो बीज कितना छोटा सा दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा सा, स्मॉल साइज़ दिखाई देगा। जब वो आपका अंकुर निकलता है तो उसका साइज़ भी तो इंक्रीज होता है ना। तो यही चीज़ कह रही हूँ, ड्यूरिंग जर्मिनेशन जब हम उसे बोते हैं तो क्या होता है? द सीड एब्जॉर्व। अब वो सीड क्या करता है? पानी को एब्जॉर्व करता है। एंड द सेल्स ऑफ अ एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट इंक्रीज इन अ साइज। अब यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो बेबी प्लांट था जो कि इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद उसका जो ये साइज है वो भी तो इंक्रीज हुआ है ना बेटा। इवेंचुअली द सीड कॉट ब्रेक्स ओपन। अब जब वो सीड निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका वो ब्रेक तो करेगा ना, टूटेगा। फर्स्ट द रूट और अ रेडिकल स्प्राउट एंड अ ग्रो डाउनवर्ड्स। अब आपने देखा था कि हमारा जो रेडिकल क्या था, जो यहाँ से अंकुर निकल रहा है, यानी डेट इज़ अ बेबी रूट, यहाँ से फर्स्ट टाइम निकलेगी। वो कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? फॉलोड बाय द शूट और अ प्लूमल विच प्रोड्यूस द स्टेम एंड द लीव्स। अब वो दूसरा क्या करता है? जब वो हमारी यहाँ से ये जो चीज़ निकल रही है डेट इज़ अ शूट, वो क्या कर रहा है? स्टेम और अ लीव्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द सीडलिंग ग्रोज ग्रीन लीव्स। अब जो ग्रो कर रहा है, सीडलिंग हो रहा है, देखो आपके सामने ये पिक्चर है, ये सीड था, इससे आपका क्या निकला? रूट निकला, बेबी प्लांट निकल रहा है। अब वो जब निकल रहा है रेडिकल मतलब ये पार्ट जब निकल रहा है तो उसकी रूट्स कहाँ जा रही हैं? डाउनवर्ड्स जा रही हैं, ठीक है। अब जब वो शूट से आप आगे निकलता है तो वो आपका सीडलिंग हो रहा है, यानी निकल रहा है, उससे हमारी एक नई लीव्स निकल रही है। अब क्या कह रहा है कि द सीडलिंग ग्रो ग्रीन लीव्स। जब सीडलिंग हमारा ग्रो कर रहा है, ग्रीन लीव्स आ रही है, तो क्या होगा? एंड द कैटेलेडन्स ड्राई अप। जो हमारा ये कैटेलेडन्स था, यानी ये वाला पार्ट या अंदर का जो दिखाई दे रहा था, वो क्या हो जाता है? ड्राई अप हो जाता है। इट सून ग्रोज इनटू अ एडल्ट प्लांट, और जिससे हमें क्या एक एडल्ट प्लांट शो करता है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रिटर्न में राइट कर रखा है बेटा, वो आपको नोटबुक के अंदर राइट करना है, इन अ फेयर नोटबुक। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जर्मिनेशन क्या है? द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट एम्ब्रियो। बेबी प्लांट क्या था हमारा? एम्ब्रियो विद इन अ सीड टू फ्रॉम अ सीडलिंग, जिससे कि हमारा एक नया प्लांट निकलता है, इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन। अभी जो चीज़ें मैंने अभी बताई है, यानी ये जो चीज़ बढ़ती जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेजेस ऑफ अ जर्मिनेशन इन अ सीड। अब इसी को मैं थोड़ा सा दोबारा से पॉइंट में आप इजी से लर्न कर सको। द सीड गेट वाटर, एयर एंड अ वार्म, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की भी उसे क्या क्या चीज़ चाहिए? वाटर, एयर और हीट। सेकेंड आता है आपकी सेकेंड स्टेज, सीड कॉट ब्रेक्स एंड द बेबी प्लांट ग्रो। अब सीड कॉट से, यानी जो आपका सीड कॉट क्या था? एक बीज था जो कि ब्रेक होता है और फिर क्या मिलता है आपको? एक बेबी प्लांट मिलता है। थर्ड स्टेज आती है रूट एंड शूट। रूट और शूट, यानी रूट क्या थी हमारी?
क्या थी बेटा? रूट हमारी रेडिकल, और शूट क्या थी हमारी? प्यूमल. डेवलप इन द बेबी प्लांट, जो कि दोनों चीज़ें हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बेबी प्लांट में. एंड अ फॉर्म अ सिडलिंग और अ यंग प्लांट, और जिससे हमें क्या मिलती है? सिडलिंग, यानी एक यंग प्लांट हमें मिलता है. फोर्थ स्टेज आती है, द यंग प्लांट ग्रो, द यंग प्लांट ग्रोज एंड अ लीव्स डेवलप कैटेलेडन्स श्रिंक एंड अ डिसअपियर. अब जब ये हमारा यंग प्लांट ग्रो हो जाता है, लीव्स निकल जाती हैं, तो हमारा जो कैटेलेडन्स था, जो आपको मैंने शो करके दिखाया था बेटा इस टाइप से, हमारा कैटेलेडन्स का ये पार्ट हमारा शो करा था मैंने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, और ऑटोमेटिकली वो डिसअपियर हो जाता है. थैंक यू बेटा.